चलिए ये तो था राशिफल, अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको जानकारी दी कि आज शीतलाष्टमी है जिसे बसियोरा पूजा के नाम से जानते हैं, तो शीतला देवी की पूजा का विधि विधान क्या है और इनकी पूजा से फायदे क्या मिलते हैं ये जानकारी देता हूं। परिवार के हर प्रकार के यानी समस्त रोगों से रक्षा करता है ये शीतलाष्टमी व्रत, और परिवार में सौहार्द लाता है, संपन्नता लाता है यानी प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है जो भी आज की तिथि में माँ शीतला की पूजा आराधना करता है, और आपकी फैमिली को सिक्योर करता है किसी भी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की बड़ी डिजीजेस से। तो आइए जानते हैं क्या है विधि विधान और आज की तिथि का क्या है महात्म्य। शीतला अष्टमी जो है वह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इसमें शीतला माता की पूजा का विधान है, बहुत विधि विधान से आज की तिथि में माँ शीतला की व्रत और पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी को व्रत करने से व्यक्ति के परिवार में जो भी गंभीर रोग होते हैं या दाह ज्वर जिसे कहते हैं, पीत ज्वर जिसे कहते हैं, वह समाप्त हो जाता है। दुर्गंध से युक्त फोड़े जिनको हो रहे हो, स्किन इन्फेक्शंस जिनको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं, स्किन एलर्जीज जिनको बहुत ज़्यादा होती हैं, या आपको आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आई आपकी आईसाइट वीक रहती है या आई इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरीके के सारे रोगों से बचाने के लिए माँ शीतला की पूजा आराधना हमेशा की जाती है। माँ शीतला की पूजा करने से फोड़े फुंसियों के निशान तथा शीतला जनित जो सारे दोष होते हैं वह शांत हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां जो होती हैं पुराने समय में, ये बहुत साइंटिफिक रीजन है। जब आप माँ शीतला की पूजा करते हैं, आप कितना भी दवाई कर लें, कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, वो उससे ठीक नहीं होता। आपने एक बार बच्चे को बैठा करके माँ शीतला की पूजा करा दी या पीड़ित व्यक्ति को बैठा करके करा दी तो वह रोग तत्काल समाप्त होने लगता है। उसमें आपने देखा होगा कि अगर पॉक्सेस होते हैं, आपने अगर उन्हें छेड़ दिया तो स्किन पे दाने दाग पड़ जाते हैं। अगर इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया जाए और देवी से प्रार्थना की जाए तो आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पे जो उसके आफ्टर इफेक्ट रह गए हैं, जो धब्बे रह गए हैं, जो दाग, जो स्पॉट्स रह गए हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। तो किस प्रकार करना चाहिए पूजा, आइए ये भी जानते हैं। आज की तिथि में अर्थात आज के दिन में प्रातःकाल स्नान आदि करके श्रद्धा भक्ति से विधि सहित शीतला देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद एक दिन पहले तैयार किया गया, यानी जो कल की रात में तैयार किया गया हुआ भोजन था, वह बासी खाने का भोग लगाया जाता है, और उसके बाद पूरे दिन आज जो है वह चूल्हा नहीं जलाया जाता, गैस का प्रयोग नहीं होता, जो भी भोजन बनाया गया था उसी को प्रयोग में लेते हैं, बासी खाने को ही खाते हैं। इसीलिए इस पूजा को बसियोरा पूजा कहते हैं। उस भोग को लगा करके आनंद मंगल की कामना की जाती है। यह दिन महिलाओं के विश्राम का दिन भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस व्रत को रखने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। शीतला माता की कथा क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। इस कथा को श्रवण करने से कहते हैं कि जो भी आपके कष्ट हैं, इस कथा के श्रवण मात्र से ही, सुन लेने से ही वह कष्ट, वह रोग दूर हो जाते हैं। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह बसौरे अर्थात शीतला अष्टमी की पूजा बड़े नियम से करती थी और ठंडा भोजन जो है वह ग्रहण किया करती थी जिस दिन पूजा करती थी। गांव में यह स्त्री ही केवल इस व्रत को रखा करती थी, बड़े नियम से इस व्रत का पालन किया करती थी। एक समय गांव में आग लग गई, बहुत भीषण आग लग गई, जिसमें उस स्त्री का घर छोड़ करके बाकी सारे घर जो भी वहां पे लोग थे उनके सारी जो व्यवस्था थी, सारा घर परिवार सब जल गए, उसमें नष्ट हो गए। इससे सबको बहुत आश्चर्य हुआ। गांव के सब लोगों ने उस स्त्री से इस चमत्कार का राज पूछा, कारण पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ आपका घर बच गया और हमारे सबके घर परिवार जो है, सारी गृहस्थी जो थी वह नष्ट हो गई। उस स्त्री ने गांव के लोगों को कहा कि मैं तो बसियोरे के दिन ठंडा भोजन लेती हूं और शीतला माता का पूजन करती हूं, आप लोग यह कार्य तो करते नहीं हो, इससे मेरा घर नहीं जला और आप सबके घर जल गए। तब से बसियोरे के दिन सारे गांव में शीतला माता की पूजा का विधि विधान आरंभ हो गया, पूजन आरंभ कर दिया गया। शीतला स्त्रोत में शीतला का जो स्वरूप बताया गया है वह माता के रोगी होने, रोगी के लिए बहुत मददगार होता है। इसमें कहा गया है कि शीतला माँ जो है वह दिगंबरा है, गदर्भ पर सवारी करती हैं, सूप यानी छाछ जो है वह झाड़ मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत हैं और हाथ में जलघट उठाए हुए हैं।
आमतौर में शीतला रोग के आक्रमण के समय में रोगी दाह से निरंतर पीड़ित रहता है। उसके अंदर जो है शरीर में हमेशा एक अग्नि सी जलती रहती है, जिसे दाह कहते हैं। अतः इसे शीतलता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। गदर्भ पिंडी यानी गधे की लीद की गंध से फोड़ों की पीड़ा कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। साफ सफाई के काम आने वाली वस्तु जैसे झाड़ लगाने से रोग में वृद्धि होती है। नीम की टहनी से झाड़ लगाने से जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि नीम में एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अतः इन कार्यों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो भी गंदी चीज़ें हैं उनके आसपास जो है आपको नहीं होना चाहिए, और जो चीज़ें माँ शीतला के स्वरूप में बताई गई हैं आज की तिथि में उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से सूप और झाड़ जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का प्रयोग आज नहीं करना चाहिए। जो भी रोगी व्यक्ति है सिर्फ उसके पास इन चीज़ों को रख देना चाहिए। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ते नहीं हैं, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व होता है, मैंने बताया। और जलघट को भी उस व्यक्ति के पास रखना चाहिए, जल को रखने से उससे शीतलता प्राप्त होती है। इस व्रत में रसोई की दीवार पर 5 हाथ की 5 उंगलियों से घी के निशान बनाए जाते हैं, घी लगाए जाते हैं, फिर उस पर सिंदूर या रोली लगा करके, चावल लगा करके, देवी शीतला माता का ध्यान करके, उनके गीत गा करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। इसके साथ शीतला स्त्रोत या शीतलाष्टक का पाठ करते हैं, तथा ये जो कथा मैंने आपको बताई और भी इस तरीके की कुछ कथाएं प्रचलित हैं उनको श्रवण करना चाहिए। रात में वहाँ पर अखंड जोत जलाई जाती है। एक थाली में बासी भोजन रख करके परिवार के सारे सदस्यों को हाथ लगा करके शीतला माता के मंदिर में उन्हें अर्पित कर देना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए। आज की ही तिथि में इस दिन चौराहे पर जल डाल करके पूजा करते हैं। चौराहे पर जल डाल करके पूजा करने का विधान यह है कि आप अपने घर की जो भी रोग और समस्याएं हैं वो निकाल करके आप चौराहे पर छोड़ करके चले आए हैं। जब आप इस पूजा को करते हैं कुछ रुपयों को रख करके जो घर की महिलाएं हैं, जो बहुएं हैं, वो अपने सास का आदरणीय जो व्यक्ति होते हैं उनके चरण छू करके, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेती हैं। उसके उपरांत किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन तथा दक्षिणा देना चाहिए, कराना चाहिए, ऐसी मान्यता है आज के दिन की। तो चलिए ये तो था आपका आज क्या करना चाहिए आपको, ये महा उपाय कैसे आपको शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। तो फिलहाल आचार्य जी आप यहाँ आए और आपने महा उपाय बताया, राशिफल बताया, पंचांग बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माँ शीतला। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार चल रही।